नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं एक आभारी सुधरता शराबी हूँ। परमेश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, सुंदर ए संस्था की ताकत और आप सभी भाई बहनों की शेयरिंग की मदद से आज मैं हर प्रकार के नशे से एक दिन के हिसाब से दूर हूँ दोस्तों। और सबसे पहले मैं अपने समझ के उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज की 2023 की अपने भारत की सबसे पहली ऑनलाइन मीटिंग जो रूल नंबर 62 वर्चुअल ए ग्रुप है, इसका मीटिंग अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। और उससे भी ऊंची बात है कि मुझे एक सेवा का ऐसा मौका दिया है जो मेरे समझ के बाहर है, पर ठीक है, ईश्वर की इच्छा चले, मेरी नहीं, हमारे में बोलते भी हैं। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी जीवन कथन शुरुआत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, जब मुझे संपर्क किया गया आज की मीटिंग के लिए, तो सबसे पहले तो मैं ना बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत खुशी नहीं हो रही थी, मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को ना बहुत तुच्छ मानता हूँ, मतलब हीन भावना से नहीं, मतलब डिमोटिवेट करके नहीं कहीं पर, ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये दिल से है और शायद यही कहीं ना इसने भी मेरी मदद की है मुझे शराबियत से दूर रहने में, कि मैं बहुत ही ना इज्जत करता हूँ किसकी, सबसे पहले तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की और उसके बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हर उस व्यक्ति की, हमारे सबसे पहले ओल्ड टाइमर की, बाकी बिल डब्ल्यू साहब, डॉक्टर बाब सब पर तो नाम लेने की बोलते ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी अभी एपाथी नहीं है, पर आप सभी लोगों की, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो बोलने वाली बात नहीं, सच में मैं नहीं होता इस वक्त बोलने के लिए आप लोगों के सामने। अरे जब मैं आगे बताऊंगा अपने अनुभव कथन तो आपको शायद इसमें ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैं ये सोचा कि मैं ही क्यों, तो बोले कि नहीं अभी ईश्वर की इच्छा यही है। मैंने घर में भी बोला तो बोले शायद ईश्वर की इच्छा यही है, ठीक है, एक सेवा का मुझे मौका दिया है। और ये भी बताऊंगा कि ये सेवा का जो मौका मुझे मिला है ये भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, वो ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे, शायद ये सभी सोच के मैंने कहा, तो मुझे पता नहीं मैं कितना इसके साथ में न्याय कर पाऊंगा, पर मैं कोशिश करूंगा मैं कि मैं जितना भी ईमानदारी से अपने अनुभव का तन रख पाऊं वो मैं रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम जैसे मैंने बताया है, तो थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी है कि मैं 5 भाई बहन है मेरे, उसमें मैं सबसे छोटा हूँ घर में, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा जन्म और पढ़ाई, जितना मेरा कैरियर है, सब मुंबई में ही रहा है। और अभी मेरी उम्र 42 साल है और मेरा जो पुलिस एनोनिमस का सफर शुरू हुआ है वो 2 फरवरी 2021 को मेरा पहली मीटिंग वेलेंकिनी चर्च इरला अंधेरी मुंबई में हुआ था। और वो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है, आज एग्जैक्टली 23 महीने आज पूरे होने चाहिए अगर ईश्वर ने चाहा तो, आज अगर मैंने कल की सुबह देख पाया तो, लेकिन हम आज में जीते हैं इसलिए मैं आज की बात करता हूँ। तो 23 महीने मुझे आज रात में पूरे होंगे, और बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात ये है दोस्तों कि इसके पहले, मतलब जब मैं 40 साल का था तब के लगभग मैं यहाँ पे आया, तो उसके पहले ना 27 साल मैंने नशे का, और वो जो नर्क भोगा है ना मैंने, वो मैंने भोगा है। और मुझे लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था ना कि मैं स्वर्ग में हूँ, जैसे बोलते हैं जब मैं नशा करता था ना, तो हम लोग एक डायलॉग, मैं वो खास करके बोलता था, अरे जन्नत की शहर में, जन्नत की शहर पे चलते हैं, जब करने जाता था और जब कर लेता तो बोलते वाह वाह जन्नत का नजारा आया है। तो ये शराबियत ऐसी बीमारी मुझे लगी थी कि ये ना मुझे जन्नत का आभास कराते थी, जबकि एक्चुअल में वो नरक था वो, और वो मुझे तभी नहीं पता चला, वो मुझे ना अपने अंतकाल में पता चला, और एए में आने के बाद तो मुझे पूरी तरह से पता चल गया कि यार सही में ये ऐसा ही था। दोस्तों, तो जब मैं 13 साल का था तो पहली बार मैंने गुटखा से मेरी जो नशे की पहली ही शुरुआत थी ना, वो शुरुआत हुई थी, और फिर आगे जाते जाते बहुत बढ़ते 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 वो मल्टी ड्रग एडिक्ट पर्सनैलिटी में मुझे उसने तब्दील कर दिया है था, क्योंकि मेरी जो डिपेंडेंसी थी ना वो सारी की सारी वो मेरी ना शराबियत और नशे में ही हो गई। और तकरीबन मैं 17 साल तो सिर्फ और सिर्फ शराब ही पिया मैंने, फिर 15 साल की उम्र से लेके अगले 17 साल तक सिर्फ और सिर्फ मैंने शराब ही पी,
और उसके बाद में कभी शराब ना मिल पाने की वजह से या पैसे की कमी की वजह से, या बोलते ना कि यूपी का हो तो मेरे बोलते ना बीमारी के बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगा। मैं अपनी मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ये जो मेरे अनुभव है मैं उससे बताऊंगा तो, कि मुझे क्या लगता था कि यार मैं शनिवार को नहीं पी सकता हूँ, फला भगवान का दिन है, मंगलवार को नहीं पी सकता हूँ ये भी भगवान का दिन है, गुरुवार को नहीं पी सकता हूँ ये भी भगवान का दिन है, शुक्रवार को नहीं पी सकता हूँ ये देवी का दिन है, सोमवार को नहीं पी सकता हूँ ये महादेव का दिन, तो अलग अलग दिन, खाली संडे बोलते ना आज संडे है और दारू पीने का दिन है वो बोल के मैं खुले आम पीता था, बाकी दिन मेरे को लगता था नहीं पी सकता हूँ, या फिर एक बुधवार बीच में मिलता था मुझे जो मैं नहीं मतलब पी सकता हूँ, खुल के पी सकता हूँ वो छोड़ के ना, फिर मुझे ना अलग अलग नशे में भी मैं आगे गया, मतलब ये कैसी बीमारी मुझे लगी हुई थी कि यार नशा तो नशा होता है ना, अगर मैं और दिन ये भगवान का है, भगवान का नहीं डिसाइड मैं कैसे पर्सनल कौन होता हूँ, ये पूरा जीवन ही दिया हुआ भगवान का है, बनाया हुआ सोलते हैं परमेश्वर, और मैं जब भगवान बोल रहा हूँ तो जैसे हर एक मैं हमारे मतलब मेरे भी माँ बाप ने ना कभी ऐसा नहीं बोला कि ये बेटा आपकी का धर्म ऊंचा है नीचे, कभी नहीं सिखाया, पर क्या होता है कि सर्वधर्म संभाव ही मनाया कि हर धर्म की इज्जत है, और सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है जो हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम फॉलो करते हैं, और मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि ये सब चीजें हैं, तो उस हिसाब से भी देखने जाएंगे तो कोई ना कोई तो उच्च शक्ति है, कोई ना कोई तो बोलते हैं ना कि परमेश्वर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, ना तो सूरज क्यों उगता रात क्यों होती है और सब चीज परफेक्ट दिन पे ही क्यों परफेक्ट टाइम पे क्यों होता है बिना किसी थके, तो कुछ है, आज तक विज्ञान भी इसका पता नहीं लगा पाया, सब कुछ हो रहा है लेकिन इंसान का जान बोलते ना कि पैदा करना भी नहीं कर पाया, ट्रांसप्लांट तक पहुंच गया है, तो कोई ना कोई इच्छा शक्ति है, पर मैं उसके साथ में धोखा करता था दोस्तों अपने आप के साथ में, और ये सब करते हुए ना मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा सयाना हूँ, मुझे मतलब कि मैं कितना सयाना हूँ और मैं अपना अलग अलग तरह के कर रहा हूँ, मैं लोगों को ना अपने मित्र मंडली के जहां भी जाता था उनको भी कहीं ना कहीं मेरे हाथ से पाप हुआ कि मैंने ये चीज ना उनमें भी डाली है कहीं ना कहीं, तो ये भी मेरे हाथ में पाप हुआ है दोस्तों, और अलग अलग मेरे कारण थे, मेरे अलग अलग जस्टिफिकेशन थे शराब पीने के और नशा करने के दोस्तों, और जैसे कि मैंने यहाँ पे सुना है कि बुआ बाजी तपस्या योग कहते हैं जैसे ना, और वो झाड़ फूंक होता है और साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना है, मतलब वो हर चीज जो एक बोलते ना शराबियत और नशेबाज को करते हैं घर वाले, मैं वो सब चीज कर चुका था, और तकरीबन दोस्तों यहाँ आने के मैं 10 से 15 साल पहले से खुद से भी चोरी चोरी भी करने लगा था दोस्तों, कि कहीं ना कहीं मुझे लगा था यार कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ और ये ना मुझे नुकसान पहुंचा रही है, मतलब मैं ना ईश्वर ने जिस चीज के लिए मुझे और जितना मुझे सामर्थ्य दिया है ना वो मैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, और सिर्फ इसके कारण सिर्फ और सिर्फ ये शराब है और ये नशा है दोस्तों, तो पर मुझे इसका सारी चीज मुझे पता तो चलती ही रही थी लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था, ना है किसी ने बताया कि यार ये बीमारी है, मुझे लगता था ना यार ये जो मैं था ये शराब कर रहा ना मेरी चर्बी है और ये मेरी ना कमजोरी है, ये मैं कायर हूँ और इसके लिए मैं और आत्मग्लानी में जाता था, और ना मेरे विचार बोलते ना कि ये विचारों को लगी मेरी बीमारी जो थी ना ये मुझे समझ में नहीं आता, मुझे सिर्फ इतना लगता था कि मेरी शराब छूट जाएगी ना और तो मेरा सब कुछ मैं सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट है, ये सिर्फ शराब मुझे छोड़ना है, यही मेरा मेन है, मुझे पता ही नहीं था कि शराब को तो मैं बहाना बना रहा हूँ, अपनी जो कमजोरी है ना अपना जो डर है और अपना जो भी मैं चीड़ है दुनिया से या गुस्सा है जो मेरे अंदर लोगों के प्रति दुनिया के प्रति ना, और जो आत्मग्लानी है मेरे मैंने जो नहीं कर पाया जो अचीव नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता तो उसके प्रति जो सारी चीजें है ना या जो मेरे अंदर चरित्र दोष है ना उसके उसको छुपाने के लिए उसको दबाने के लिए ना मुझे नशा या शराब ले रहा था मैं, ये मुझे कभी समझ भी नहीं आया ना मुझे किसी ने बताया, तो छोड़ता भी था थोड़े दिन के लिए, चाहे वो आप जितने भी चीजें बताएं उसके कभी एक महीने कभी दो महीने कभी छह महीने भी हुए हैं, पर क्योंकि मैं छोड़ता था ना इसलिए मैं पकड़ भी लेता था, बोलते ना कि विश्वास का नाम ही विश्वास का दूसरा नाम ही धोखा है, मैं विश्वास तो धोखा ही मिलेगा, क्यों क्योंकि अगर मैं इंसान पे या दुनिया की किसी वस्तु पे अगर मैं विश्वास करूंगा तो धोखा मिलेगा, अगर मुझे विश्वास करना है ना तो वो उच्च शक्ति पे करूंगा जो कभी नहीं धोखा देगी मुझे, क्योंकि उसकी दुनिया में ना कुछ भी चीज गलती से नहीं होता है, वो हाँ हो सकता है कभी कभी मुझे नहीं समझ में आए लेकिन वो कभी जो गलती भी लगती है तो वो कुछ और अच्छे करने के लिए करता है, बोलते हैं ना कि बीज जब फूटता है तब उसके अंदर से अंकुर निकलता है तब वो एक पेड़ बनता है, पर जब मुझे टूटता है ना तो मैं उसको गाली मतलब मेरे साथ बुरा होता था मैं गाली देता था उसको, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ में ही ऐसा क्यों होता है, मैं दुनिया में ढूंढता था अच्छे अच्छे लोग हैं किसी के साथ बुरा हो रहा है, मैं ना मेरे अंदर जो अच्छाई थी ना वो सारी चीजें नहीं मैं देख पा रहा था दोस्तों,
यार मेरे साथ में ईश्वर ने कितना ही बढ़िया बढ़िया चीजें किया है, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, कितना सुंदर परिवार दिया है, उस आगे चलकर मुझे कितनी अच्छी पत्नी दी, मुझे दो बच्चे कितने प्यारे प्यारे दिए और बहुत कुछ चीजें। अब मैं इतना नशा, इतना शराब पीने के बाद में भी मुझे उसने ना शरीर से अंग भंग नहीं किया, मुझे पूरा संपूर्ण शरीर दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई है मेरी। मैं बार बार नौकरी छोड़ रहा हूँ लेकिन मुझे नौकरी भी दी हुई है। मैं एक यार पहली दूसरी में म्यूनसिपाली में पढ़ा हुआ इंसान, फिर तीसरी से लेकर दसवीं तक एक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ इंसान, उसके बाद में भी मैं 11वीं से लेकर 15, अब कभी ट्यूशन नहीं गया, कोचिंग नहीं गया, गया नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि ऑप्शन था मेरे पास में, मेरी ना हम लोगों की हिम्मत ही नहीं थी। बोलते मुंबई में मेरे पिताजी की भी मेरे पैदा होने से 2 साल पहले ही मतलब मानसिक बीमारी की वजह से ना दोस्तों, मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी और गांव से आई हुई थी 14 साल की उम्र में, तो उनको पता भी मतलब उनको कैसे हमको पाली ना उनको पता भी नहीं था। पर एक पिताजी ने ईश्वर की बोलते ना वहां भी ईश्वर की मर्जी चली, एक दुकान उन्होंने ले ली थी जिसके किराए से बहुत ही कम किराया था लेकिन उन्होंने हमें पाला पोसा। अब पांचों भाई बहनों को पढ़ाया, आज पांचों भाई बहने अपने अपने पैर पे खड़े हैं दोस्तों। पर जो पतन हुआ ना मेरा वैचारिक शारीरिक आर्थिक या मानसिक ना, वो सिर्फ मेरा है, आधा पतन, पतन नहीं बोलूंगा मैं, आधा पतन जो हुआ ना दोस्तों वो मेरा है, मेरा ही हुआ, या मैं हुआ नहीं बोलूंगा, कुछ होता नहीं, मैंने किया है दोस्तों। पर उसके बावजूद भी बहुत कुछ मेरे साथ में अच्छा है दोस्तों, पर मेरे साथ में जो भी मेरे पास था ना, मैंने कभी उसकी कीमत नहीं की, कभी उस तरफ नजर नहीं देखी। मैं हमेशा ना मतलब मेरे पास जो नहीं ना और दुनिया में जो है ना उसी से ना तुलना ही करते रहा दोस्तों मैं, कि यार मेरे साथ ही गलत है, मेरे को और अच्छे माँ बाप मिलने चाहिए थे और अमीर माँ बाप मिलने चाहिए थे मुझे ना, और अच्छा आ, 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 सोसाइटी मिलनी चाहिए थी मुझे, मुझे एक तो इंडिया में ही पैदा नहीं होना चाहिए था, मुझे अमेरिका या ऐसे किसी यूरोप कंट्री में पैदा होना चाहिए था। यहाँ के लोग ना दो ही मानसिकता के हैं, जो बोलते हैं ड्यूअल मेंटेलिटी, दो गुली जो बोलते हैं हम लोग उस तरह के हैं। पर ये मुझे पता नहीं था दोस्तों कि ना ही मेरे देश में, ना ही मेरे जगह में, ना ही मेरे घर में ये थे, दोगुला मैं था, ड्यूअल मानसिकता मेरी थी, वो मेरे मेरा चरित्र ही, मेरा नेचर ही वैसा था, वो ना मुझे स्वीकार था और ना ही मैं कभी उस समझ भी नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि मेरे ही घर में, और मुझे कहीं ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं थी कि मेरे घर में ही मेरे 5 भाई बहन में 4 भाई बहन सबसे बड़े हैं, वो लोग भी तो वही परिस्थिति, शायद वो भी उससे भी बुरी परिस्थिति से गुजरे, उन्होंने मुझे हमेशा बचा के रखा, वो तो नहीं कहीं गए ना, मुझे बाहर देखने की भी जरूरत नहीं थी, मैं अपनी माँ को देखना था कि यार वो कितनी मेहनत से, वो चाहती तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव जा सकती थी, फिर पता नहीं हमारा जीवन कैसा क्या होता, लेकिन उन्होंने उनका संघर्ष नहीं देखा, मेरे पिताजी का संघर्ष नहीं देखा दोस्तों। और शायद ईश्वर की यही मर्जी रही होगी कि उनको मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाना था। और अंत में अपने अंतकाल के मैं बताऊंगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस आने के जस्ट थोड़े दिन पहले की मेरी बात, और फिर मैं अपने रिकवरी, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 30 महीने का सफर है वो बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा ना ये 27 जो साल में बार बार बोलता हूँ ना, इसमें मैं जोर इसलिए देता हूँ ना कि ये अनुभव आशा शक्ति है, आप सभी सीनियर बंधु हैं, मेरे पास आशा है, आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई एक भी मेरे जैसा न्यूकमर होगा, अगर उसको बताना ये जरूरी है कि यार मेरे साथ मैं कैसा था, मेरे साथ क्या, मेरे हाथों तो क्या गलतियां हुई, मेरे साथ कितनी गलतियां हुई और आज मैं कैसा हूँ, और अगर मैं ऐसा हो सकता हूँ, मेरे साथ में मैं इतना सब होते हुए भी ईश्वर की मर्जी से, आप लोगों के साथ की वजह से, अल्पसंख्यक संस्था की वजह से, अगर मैं उससे दूर रह सकता हूँ तो दोस्तों कोई भी रह सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और ये जो बोलते हैं बार बार यहाँ चमत्कार होता है ना, तो मैं एक चमत्कार हूँ, हर सभी की इनकम बोलता है मैं एक चमत्कार हूँ, तो मैं सच में दोस्तों एक चमत्कार हूँ। तो दोस्तों अंत में जो मेरा 2 साल का सफर रहा था, मैंने कई मल्टीनेशनल कंपनी जो मैंने बताया ना, कभी फेल नहीं हुआ दोस्तों, मुझे उसने फेल नहीं होने दिया कभी, और अच्छा मुझे एक अच्छी अच्छी जॉब, शुरुआत के 2000 से 2002 तक मैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्षेत्र में गया, फिर 2002 से 2008 तक मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में रहा, फिर 2008 से लेके मैं 2020 तक, यहाँ पे आने के पहले तक मैं इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छी पोजिशन पे अच्छी अच्छी कंपनी में रहा मैं दोस्तों। और बोलते हैं ना वही है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, इसलिए मुझे ना कुत्ता भी बोलने के लिए मुझे हक नहीं, क्योंकि मैं ना कुत्ता तो एक वफादार प्राणी होता है, मैं कुत्ते का भी नाम नहीं ले सकता, वो बहुत वफादार, मेरे से बहुत उच्च कोटि का है, मैं उससे भी नीचे हूँ, क्योंकि मैंने वफादारी यार अपने आप से तो की ही नहीं, अपने माता पिता से नहीं की, अपने बीवी बच्चों से नहीं की, और अपने उच्च शक्ति से नहीं की, तो मैं उसका नाम भी लेने का कैसे हकदार हूँ, मैं बार बार सोचता हूँ, और ये मैं दिल से बोलता हूँ, और कहीं ना कहीं ये जो एक्सेप्टेंस आया ना मुझे यहाँ पे आने के, अल्कोहलिज्म ये भी अल्कोहलिज्म एनोनिमस की देन है, ये कहीं ना कहीं है ना जो मुझे मदद करती है।
मैं ना रोता था अकेले में, मैं अकेले में आखिरी 2-3 साल में ना यहाँ पे आने के पहले अकेले में रोता था, शराब पीता था, पैसे नहीं रहने की वजह से ना, क्योंकि मैं जॉब मतलब अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत बढ़िया जॉब थी और बहुत अच्छे बॉस से भी थे, लेकिन मेरे को लग रहा था मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर ना कुछ तो खोया हुआ है, मेरे अंदर कुछ टूट गया है। और मेरे को ना जीने की इच्छा नहीं थी, मुझे ना सोने की इच्छा नहीं थी, मुझे उठने की इच्छा नहीं होती थी, मुझे खाने की इच्छा नहीं होती थी, मुझे साथ साथ पानी पीने की इच्छा नहीं होती थी, मतलब मुझे इच्छा ही नहीं होती थी। और मैं ना जीने के लिए मैं पी रहा था कि यार मेरे को ना जिया नहीं जा रहा था, मुझे अपने आप को ना, मैं अपने आप को फेस नहीं कर पा रहा था, मैंने जो किया अपने जीवन में मैं उसको फेस नहीं कर पा रहा था, तो मैं सिर्फ सोचता था मर जाऊं। पर ना ये शराब ने इतने साल के दौरान मेरे को इतना कमजोर, इतना कायर बना लिया था, मैं अपनी जान भी नहीं ले पाता था। तो दोस्तों, मैं अकेले में बैठता था, शराब पीता था, या कोई और भी नशा करता था, मैं सोचता था कि यार मुझे मरना है, इसमें बोला यार मैं मर जाऊंगा। तो मेरे माता पिता की क्या गलती है, मेरे बीवी की क्या गलती, मेरे बच्चों की क्या गलती, मेरे खानदान की क्या गलती है, मैं तो मर जाऊंगा आज के दिन, लेकिन मेरे नाम क्या पड़ेगा, ये बेवड़े की माँ है, ये बेवड़े का पिताजी, ये बेवड़े का खानदान है, ये बेवड़े की बीवी है, ये बेवड़े का बच्चा है, और उसके दास को मैं नहीं मिटा पाऊंगा। मैं को बस इसी चीज का एक मुझे ना, मैं रोता था। और मैं आने के पहले जो आखिरी कॉलेज की बात बता रहा हूँ, और सर इसीलिए मैं मर भी नहीं पा रहा था, मैंने कहा कि इस कुछ तो भी ऐसा कर दे कि ये दास मिट जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं जो भी तकलीफ से गुजरा हूँ, कुछ बचपन में ऐसा हुआ था मेरा, तो मैंने कि अगर मैं जिया ना दोस्तों, तो ये मैं लास्ट में सर भी सोचता था कि मैं ना ये कहानी फेसबुक पर भी पढ़ा लिखा होता, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में या कहीं बुक लिखना चाहिए कि यार जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ और मेरे हाथों जो गलतियां हुई ना, यार इसे कोई तो भी सीख ले, यार इसमें भी ईश्वर ने चिंता ना, और मैं जो नरक की आग में जला हो सकता है चलना, कि कोई और ना जले। और मेरे को ये एम आने के पहले मेरे मन में आता था, और ऐसा भी मन में आता था कि यार मैं मर जाऊँ ना, मेरे मर जाऊंगा तो कुछ काम तो नहीं आएगा, ये शरीर तो मेरी नहीं, आत्मा त्याग सबसे बड़ा पाप है, तो मैं अपना शरीर का जो भी अंग है ना, लीवर, किडनी, हार्ट, आईज, जो भी होता है ना, वो कहीं ना कहीं दान कर दूं, मैं कम से कम कुछ तो काम है। और ये मेरे को नाम के लिए नहीं जीता, तो मैं तो मर जाऊंगा, तो किसी मेरे काम का नहीं आएगा, और कितने लोग ना उसके लिए मर रहे हैं। तो बोलते ना मेरी सोच कैसी बीमारी है, दोहरी मानसिकता है मेरी, एक तरफ तो मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, अपने घर परिवार को नहीं चला पा रहा, सिंपल से नौकरी करके अपना पेट और अपने परिवार का जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, और दूसरी तरफ मैं कितना महान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे खुद को पता ही नहीं था कि मैं क्या हूँ, मैं इंसान हूँ मैं शैतान हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था दोस्तों। और जो रोता ना, कहीं ना कहीं वो स्वीकार हुई, मेरी माता बहुत पूज्य पाठ वाली है, उनकी कहीं ना कहीं स्वीकार हुई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनकी दुआ लगी। और आप लोग जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में जो बोलते हैं ना, ये जो मैंने बोला कि ए का जो फेलोशिप इनका है, तो वो जो जिम्मेदारी की प्रार्थना आप लोग कहीं ना कहीं लेते हो ना, मेरे जैसे शराबी के लिए, या कोई शराबी जहाँ भी पीड़ित हो तो मैं जिम्मेदार हूँ उसकी, मतलब जब भी कोई कहीं मदद का हाथ, मतलब कोई मदद की पुकार करता है, तो मैं चाहता हूँ ए का हाथ वहाँ हो। तो दोस्तों, वो ए का हाथ मेरे मेरे पास ना 2 फरवरी 2021 के तकरीबन 10 से 15 दिन पहले मेरे पास आया। 3 लोग मेरे घर पे आए, उन्होंने मुझे आके मेरी फोलियो सेटिंग की, 12 स्टेपिंग की बाकायदा, और मुझे उन्होंने मतलब कन्विंस किया या अट्रैक्ट किया उन्होंने, और मैं 2 फरवरी 2021 की जो पहली मीटिंग की वो दिन है और आज का दिन है। मैं पहले दिन से ही, ईश्वर की भी बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं शराब से दूर हूँ, मैं नशे से भी दूर हूँ, और आज मुझे तकरीबन 26 दिन हो, 27वां दिन है जो ना मैं निकोटीन, जो मैं निकोटीन भी मैं शुरुआत से ले रहा था ना, उससे भी दूर हो एक एक दिन के हिसाब से दोस्तों, ये बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों। तो मैं आया शुरुआत में दोस्तों, तो बोलते ना, एक तो मैं करेला हूँ, ऊपर से नीम चढ़ा हूँ, तो भाई शराबियत में तो जो विड्रॉल आते हैं आते ही, क्योंकि मैं मल्टी ड्रग एडिक्टेड पर्सन हूँ। मुझे ना जब शुरू में आया मैं पहले दिन, तो पहली चीज ना तो मैं बहुत ये था, मतलब मुझे ना मैं ट्रस्ट तो खत्म ही हो चुका था, विश्वास मेरे को खत्म ही है कि मेरी कभी छूटेगी या मैं छोड़ सकता हूँ, और छोड़ के मैं जिंदा भी रह सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सुसाइडल थॉट भी बहुत सारे आते थे, विड्रॉल सिम्टम्स मुझे आते थे, उससे भी डर डर के ही मैं पीने भी लगा था। और मैंने इतनी सारी गलतियां और इतने सारे मेरी वाट लग चुकी थी ना, पतन तो हो, बोलते ना पतन का कुछ हिसाब किताब भी नहीं, तो मैं यार करके भी क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे जब मैं पहले दिन आया और मैंने वहां पे देखा उस चर्च में, वेलिंगटन चर्च में जब पहली मीटिंग की, तो वहां पे ना बहुत मैं भाग्यशाली हूँ, वहां पे लोग ना 10 साल 20 साल 30 साल और 1 महीने वाले से लेके ना 40 साल वाले तक मुझे मिले पहले ही दिन। और उन्होंने बोला मेरा नाम अमुक है, मैं एक शराबी हूँ, और आके अपनी कहानी सुन की उन्होंने, अरे मैं यार कैसी कहानी है ये, तो मेरे को ना कुछ तो भी स्ट्राइक हुआ, वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक हुआ, जो मेरे अंदर जो कमी थी ना, और जो मैं अपना दोहरापन था ना, वो मुझे कहीं कहना कि राकेश ये चीज यहाँ पे कम से कम आना तो चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए मतलब बिना नशा किए बिना शराब पिया तो समझ में तो आएगा,
तो कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है इसमें भी मेरा योगदान नहीं है। यही जो निस्वार्थ प्रेम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो फेलोशिपिंग है, और जो मैं अपने आप को ही मतलब धुतकारा हुआ, समाज से नकारा हुआ, घर वाले भी कहीं ना कहीं होप दे ही छोड़ चुके थे, लेकिन बीवी बच्चे की वजह से उन लोग भी शायद सपोर्ट कर दिया, कैचिंग करके कैसे भी जिंदगी में वापस आ जाए, कुछ तो भी करने लगे, तो वो भी मुझे गले लगाए, बोले अरे आते रहना राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोला क्यों स्वागत है मेरा, तो मुझे ना कहीं डाउट होता था, क्या चीज है, कहीं मुझे कन्वर्ट तो नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा धार्मिक इंसान भी था, मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे कन्वर्ट तो करने का विचार नहीं इधर ना, क्योंकि मेरे जैसा शराबी, मेरे जैसा स्वार्थी इंसान क्या सोचता है कि इंसान बिना स्वार्थ दुनिया में कुछ होता नहीं है। पर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था सही में एक चमत्कारिक संस्था है, आध्यात्मिक नहीं, मैं इसको चमत्कारिक ही बोलूंगा, क्योंकि अरे आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे क्या लेना देना आपको राकेश की बेवड़ा, बोलते ना नतेरी, वो जिए मरे आप लोग क्यों इतना मेरे पीछे, मतलब इतना मेरे पीछे क्यों पड़े हो, इतना प्रार्थना कर रहे हो, इतना प्यार क्यों दे रहे हो भाई मेरे को, कि मेरे को कन्वर्ट करना है आपको, कि मुझे नौकरी पे लगाना है आपको, या मेरे पैसे से आपको मतलब है, या मुझसे और कुछ काम कराना है, मतलब मुझे क्यों कर रहे हो, आज तक मैं समझ नहीं पाया। तो इसलिए चमत्कारी संस्था है, क्योंकि तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे कोई कंडीशन नहीं लिया गया, वैसे एक फॉर्म भी नहीं भरा गया, फीस की तो बात ही छोड़ दो ना, नंबर लिया गया, वो एक सिम कार्ड भी लेने जाता तो वहाँ पे भी मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड दुनिया भर का वेरिफिकेशन देना पड़ता है, घर से आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, और आते रहो आते रहो, क्या जरूरत थी उनको कि मुझे मुझे वो जो शुरुआत में मैं आया, तो मैं आया नहीं, मेरे को पहले दिन से ना वो लेके आते थे घर पे लेने आते थे, और फिर घर पे वापस छोड़ने आते थे, फिर उसके बाद में बीच में मुझे नाश्ता कराते थे, मतलब क्या चीज है, क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने ना, क्योंकि मैं ना मेरे पास में ऑप्शन नहीं था, और मैं ना हारा हुआ था, तो उसको मैं फिर ये बोलूंगा कि ये इसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया कि मैं आते रहा, परमेता नहीं ईश्वर की क्या चमत्कार है और क्या है कि उन्होंने बताया। और मुझे और एक चीज में भी मेरे को बांध के रखा है यार, मैंने बोला कि जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, बोले उन्होंने आपका नंबर दिया, बोलते उन्होंने आपका एड्रेस दिया, बोलते ऐसा कैसे ना, 11 मेरे मुंबई जहाँ से मैं रहता हूँ यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक डोंबिवली में करके एक ना अपने बोलते हैं अनामिका, हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार है, तो मैं वो अनामिति नहीं तोड़ूंगा, और मुझे शायद ये भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है कि अब जो चीज करना है ना तो दिल से करना है, और मैं सबसे धोखा कर सकता हूँ, सबसे झूठ बोल सकता हूँ, पर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से और ये आप फेलोशिपिंग से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि दुनिया ने ठुकराया था, मैं खुद अपने आप को ठुकरा के मरने के लिए निकला था, और आप लोगों ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई, लेकिन आप लोगों ने मुझे बिना शराब के बिना नशे के जीना भी सिखाया, और कितना बेहतरीन, जैसा शंकर भाई ने अभी शुरुआत में बोला कि एक सुंदर जीवन जिया जा सकता है, इसका आप लोगों ने ज्वलंत उदाहरण, जीता जागता आप लोग उदाहरण वो भी मुझे दिखाया दोस्तों। तो जब यार इतने दूर से मैसेज आया हुआ है तो यार मैं कुछ तो मुझे जाना ही चाहिए, उन्होंने तो वहां पे गए, और मुझे रोज वो घर पे आते थे लेने, और वापस छोड़ने भी आते थे घर पे, और ये तकरीबन 1 महीने तक लगातार ना अलग अलग लोगों ने मुझे संभाल के रखा, एकदम फूल के जैसे संभाल के रखा। और जैसे मैंने बताया दोस्तों ना कि शुरुआती दिनों में मेरे को विड्रॉल जो आते थे, तो जो सबसे बड़ा विड्रॉल था ना कि मुझे ना नींद ही नहीं आती थी, नींद मतलब नशा करने के बाद में नहीं आती थी, तो सोचो बिना किए तो मुझे आती ही नहीं थी पहली चीज, दूसरी चीज मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, तीसरी चीज मुझे ना घबराहट बहुत होती थी, मतलब मुझे ना अजीब पता नहीं अनजाना एक भय लगा रहता था कि यार मेरे साथ कुछ तो भी गलत हो जाएगा, और दुनिया ना मेरे खिलाफ है, और सब ना मेरा बुरा चाहते हैं, जब मैं बाहर निकलता तो मुझे लग रहा है मुझे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, कोई हंसता था तो मुझे लगता था मेरे मेरा ही बात करके हंस रहा है ना, या कोई चुपचाप बात करता मुझे लगता है मुझे कुछ गलत बोलता था किसी को ना, तो मुझे लगता था ये मेरे को गलत बोल रहा है, और किसी और का नाम लेके मेरे को ही गलत बोल रहा है, वो चीजें मुझे लगती थी, और मुझे ना सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, गलत नहीं बोलूंगा मैं, और मुझे ना ऐसा लगता मैं घर के बाहर निकलूंगा तो मुझे कोई पिला देगा, जबरदस्ती करा देगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया और जब अपनी अपनी बात करने लगे, तो मैं बोला यार ये जो कहानी बता रहे हैं तो ये मुझे ही मेरे लिए मेरे बारे में ही बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें मुझे ना बड़ी घबराहट और ये सब डर लगती थी। लेकिन वो जो मेरे जो मैं नसीब वाला और एक चीज जो मुझे मदद की कि ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो संस्था, उस वक्त जो लॉकडाउन चला था फरवरी 2021 के टाइम, जो सेकेंड लग चुका था, तो उस वक्त पूरे इंडिया में फिजिकल मीटिंग तो बंद थी, ऑनलाइन चालू थी, और ऑनलाइन का उस वक्त मुझे ही पता नहीं था, क्योंकि मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ही पता नहीं था यार, तो ऑनलाइन का कहां से पता होगा। पर उस वक्त ना ज्ञान आश्रम सर्व सेवा संघ है, अपना एक ग्रुप है मुंबई में ज्ञान आश्रम में अंधेरी ईस्ट में,
वहां पे एक प्रकाश एम करके मैं एनोनिमिटी टूट रहा हूँ क्योंकि बहुत ही महान आत्मा मैं उनको बोलूंगा। अरे एक फादर जो उस चर्च के फादर थे उन्होंने ना परमिशन दिया था और वो मीटिंग लॉकडाउन में भी ना रेगुलर चालू थी, डेली चालू थी, वो डेली और वो ना तकरीबन 730 दिन लगातार चली है मीटिंग दोस्तों, और वो जून 2020 से ही चालू थी। सोचो कितनी बड़ी बात है यार। और वो मीटिंग तकरीबन ना मैंने 3 से 4 महीने हर दिन लगातार, मतलब मुझे वो करने का मौका नहीं, क्योंकि वो चालू थी। ये भी तो एयर फेलोशिपिंग है ना यार। प्रकाश महाजन जी 65 से 70 साल के हैं, उनको जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो बोलते बोलते उस वक्त में बोलते थे हम लोगों को कि यार ये मेरी जान, वो भी तकरीबन 20 साल से क्लीन और सोबर है, तो बोलते थे कि यार न्यू कमर को उनको देना है, कैसे कुछ तो भी देना है वो इसके लिए, वही फेलोशिपिंग ही ना दोस्तों। और क्या है ये, वो अपनी जान में जोखिम डाल के लोग जब घर में बाहर निकलने बोलते, मेरे टाइम पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अगर किसी को कोविड हो गया है या घर से बाहर अपने परिवार को ही गाली देते थे, अपने अगर परिवार को बीमारी लग गई तो उनको छूते नहीं थे, खाना नहीं देते थे वो, और वो उस वक्त में वो अनजान लोगों के लिए, वो भी शराबी लोगों के लिए क्यों खोल के बैठे थे वहां पर वो चीज तो वो बोलते थे भाई मैं भी सोबर रह पा रहा हूँ, लेकिन तो उनकी मानता है कि वो बोलते थे कि मैं अपने सोबर होने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो खोले रखते तब ना मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे न्यूकमर ना सोबर रह पाए उनकी वजह से। सोचो कितनी बड़ी बात थी, वो मुझे फिजिकल मीटिंग मिल रही थी, तो ये एयर फेलोशिप की ताकत थी ना वहां पर। उनके घर वाले से झगड़ा करके उभारा है और 19 दिन बाद ना उनको खुद कोविड हो गया और किसी को नहीं हुआ, उनको हुआ खोलने के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने हटाते नहीं, उन्होंने उतने दिन चालू रखने के लिए बोला मीटिंग को, और फिर जैसे वो ठीक हो गए तुरंत ही 1 हफ्ते से 10 दिन में वो वापस रेज्यूम उन्होंने वहां पे कर लिया। तो ये एवोल्यूशन की ताकत है कि गो टू एनी लेंथ। और बोलते ना कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था ये कि ए ने मेरी जान बचाई, मैं बड़ी बड़ी बात करता हूँ फिर बाद में बोलता हूँ सुनता हूँ, एम ने मुझे नौकरी दी, मुझे धंधा दिया, मेरा किस बीवी गई भी आई, मैंने ए को क्या दिया उसके बदले में, मैं बोलता हूँ ए ने मेरी जान बचाई, अरे जान बचाई तो वो जान में क्या, ए के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, तो वो उस जीता जागता उदाहरण है प्रकाश जी उसका कि ओनर उन्होंने ए के लिए अपनी जान हाथ में रखी दोस्तों, और उसका उन्हें ना भुगतान भी सही मिला। वो एक और चीज बोलते थे कि पनिशमेंट इन ए विल बी श्योर एंड स्विफ्ट, मतलब ए में जो दंड है और जो पुरस्कार है ना वो भी जल्दी मिलता है और जरूर मिलता है, दोनों चीज है। मैं अगर ए में के साथ धोखा करूंगा, ए फेलोशिप के साथ धोखा करूंगा, तो मुझे दंड भी जरूर मिलेगा और जल्दी मिलेगा, और मैं ए के लिए अगर कुछ अच्छी सोच भी खाली, मैं करने की बात ही नहीं मेरी औकात में, लेकिन अगर मैं सोचता भी हूँ ए के बारे में अच्छी ना, तो उसका पुरस्कार भी मुझे ना जल्दी और जरूर मिलेगा। और ये जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी ना, तो मेरे को यार मेरे जीवन, जो मैं बोला ना अपने पीने के आखिरी क्षणों में, मैं सोचता था कि मैं अपने जीवन से किसी को सीख मिले, मैं यूट्यूब में सोशल मीडिया में डाल दूं मैं अपनी कहानी ताकि और किसी को बचे ना, तो वो कहीं ना कहीं से आज वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों था जो स्वीकार भी, तो बोले यार प्लेटफॉर्म दे दिया वो ईश्वर ने मुझे और यहाँ पे बोला। लेकिन शुरुआत के दिनों में मुझे ए का जो फेलोशिप था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ देखा, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई, उन्होंने सबसे पहली चीज वो जो मुझे पहली चीज बताई कि यार एक दिन फक्त आज का दिवस, सिर्फ आज के दिन तुझे नशे शराब से दूर रहनी है। मैं एक दिन के मतलब 1-2 महीने तक भी छोड़ के मैं छोड़ चुका था, बोला एक दिन तो छोड़ ही सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला राकेश सिर्फ आज के दिन, मैं बोला फिर आज के दिन है तो कल पी सकता हूँ क्या, बोले नहीं नहीं अब तुम समझ बात को, आज कभी जाता नहीं कल कभी आता नहीं क्योंकि जब कल आएगा तो वो भी तो आज हो जाएगा ना तो उस हिसाब से वो मेरे को फिर उन्होंने समझाया। फिर बोले कि पहला घूंट घातक, तो मैंने ये भी बोला कि पहला घूंट घातक होता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ पैक बनाता हूँ और पहला वाला गिरा देता हूँ। मैं वैसे भी एक पैक में तो मेरा कुछ होता नहीं, मेरे को तो बॉटल लगता है, 2-3 खंभा लगता है, 2-3 खंभा नहीं, 2-3 कम से कम बॉटल लगता है, तब जाके तो मेरा मैं गर्म होता हूँ, और उसके बाद में अगर मेरे पास पैसे नहीं रहेगा तो फिर मैं दूसरा नशा करता, क्योंकि उनको नशा पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैं नशे के लिए पीता ही नहीं था, मैं जो विचार जीवन को संभालने के लिए पीता था। बोलते नहीं नहीं बेटा पहला घूंट मतलब वो पहला घूंट जब पीता है जब तो तेरे शरीर में एलर्जी होती है और हर एलर्जी पैदा होती है और फिर तेरे शरीर और मांगता है, तो पहला घूंट मतलब वो पहला घूंट ही नहीं पिएगा तो आगे तू आगे तेरा प्रॉब्लम ही नहीं चालू होगा। मतलब ओ फिर उन्होंने मुझे हाउ बोला, हाउ मतलब मैं बोला हाउ मतलब कैसे होता है, तो मैं पढ़ा लिखा ना, बोला हाउ मतलब कैसे, बोला नहीं नहीं हाउ मतलब कैसे नहीं, HOW ऑनेस्टी ओपन माइंडनेस विलिंगनेस मतलब ईमानदारी, और ईमानदारी राकेश किससे रखनी है तुझे, तुझे ना ईमानदारी, ये फेलोशिपिंग की बता रहा हूँ मैं, मुझे एक एक लोग ना बताते थे मीटिंग के बाद, मुझे ना और सुपर मीटिंग में नहीं साइड में लेके जाके मुझे बताते, मैं बहुत नसीब बढ़ा हूँ दोस्तों। लोग बोलते हैं कि सुपर मीटिंग में ऐसा होता वैसा होता है, भैया वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं यहाँ पे लोगों को बदलने आया हूँ क्या, नहीं मैंने लोगों यही गलती मैंने कभी पहले की जिसकी वजह से मैं 27 साल ना मेरी इतनी ना अधपतन हुआ, हर हर मामले में अधपतन हुआ, क्यों मैं दुनिया को बदलने चला था
और मुझे पता ही नहीं चला यार कि ये जो भी जीवन है ना, ये मुझे दुनिया को बदलने के लिए नहीं, मुझे मेरी परिस्थिति बदलने के लिए नहीं, बल्कि मेरी मनस्थिति बदलने के लिए मिला हुआ है। बोलते ना कि ये मनुष्य जन्म मिला है मुझे तो किसी कारण से मिला हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर हर उस चीज ताकत है कि कुछ करने के लिए। और मैं क्या करता हूँ, जैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता हूँ, पहले तो मैं लाचार होता हूँ, सब पर हाथ पाँव जोड़ता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। जैसे थोड़ा ठीक हो जाता हूँ तो मैं लगता हूँ, बोलते ना कि बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब का भी पिताजी बनने की कोशिश करता हूँ। अरे ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, अरे भैया वैसा जो भी होना चाहिए तुझे लगता है वो मुझे मेरे साथ में करना है। अगर मुझे कोई ठीक नहीं लगता है तो वो मुझे दूसरे की विनती मैंने नहीं ली, मैं बता रहा लेना चाहिए की बात नहीं, मैंने जो बता रहा जो शुरुआत में अड़चने आई, तो ये सारी जो अड़चने आ रही थी ना, तो जब मैं भी सुनता था शेरिंग को, मुझे लगता था मैं उसको देखता था, उसकी बात सुनता था, फिर उसके उसके ऊपर से नीचे उसका झिड़क मारता था, उसके जूते तक जाता था, मैं देखता था, मैं जो बोल रहा है और उसके कपड़े में पहने। तो वो भी मुझे यहाँ पे बताया कि व्यक्ति पे इच्छा ना तत्व वाला महत्व दिला पाजिए, मतलब वो क्या बोल रहा है ना उस पर ध्यान देना है मुझे, और वो क्या वो कौन बोल रहा है उस पर नहीं ध्यान देना है मुझे। अगर वो जो बोल रहा है मुझे काम का लगता है, मेरे फायदे का है, तो उसको ले लेना है, और जो अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मेरे मुझे अगर वो कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे वहीं पे छोड़ देना है, वो मुझे उसका नहीं लेना है, क्योंकि मैं परिस्थिति तो बदल ही नहीं सकता। मैं परिस्थिति बदलने के चक्कर में ही मैं हारा और लाचार हुआ, आत्मग्लानी से हुआ, और फिर मैं नशे की तरफ हो गया। मैं ये मनस्थिति ही बदलना है, और मनस्थिति कैसे बदलेगी, सबसे पहले तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में आते रहना है, फिर मुझे सुनने के लिए सीखना है, सीखने के लिए सुनना है, सुनना ही सुनना है मुझे, जिंदगी भर मैंने बात ही किया है, सिर्फ मुझे तभी बात करना है जब ईश्वर मुझे मौका ऐसा देंगे या कभी शेयरिंग का मौका देंगे, तब मुझे बात करनी है, तब उसके अलावा मुझे नहीं बात करनी है। तो उन्होंने बोला तो ऑनेस्ट ईमानदारी मुझे अपने आप से रखनी है, अपने उस परमेश्वर से रखनी है, और किसी और से ईमानदारी नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे लोग भले जैसे मैंने बताया कि वो आते थे मुझे छोड़ते थे और वापस छोड़ के चले जाते थे, लेकिन 24 घंटे मेरे साथ में नहीं थे। कहीं ना वो जो मुझे जो प्यार मिला, बोलते हैं ना कि निस्वार्थ प्रेम मिला, अनकंडीशनल लव, और उनकी जो आशा, उनकी जो खुशी, जब मैं अगले दिन जब गया, दूसरे दिन गया, तो उनके चेहरे पर ऐसा लगता था उनको खजाना मिल गया। जब मैं तीसरे दिन गया तो और खुशी, चौथे दिन गया तो और खुशी, एक महीना हुआ तो और खुशी, दो महीना हुआ तो और खुशी, तीन महीना हुआ तो कितना लोगों ने सेलिब्रेट किया, मतलब वो खुशी देख देख के ना, वो मैं वही फिलोसफी में ना मेरे को बूझ का नशा हो गया। पहले मेरे को ना शराब और मल्टी ड्रग एडिक्ट का नशा था, अब मुझे ना ए फिलोसफी का नशा हो गया। मैं आप लोगों को मिलने के लिए, आप लोगों की बात सुनने के लिए, आप लोगों को चेहरे पे ना खुशी देखने के लिए मैं वहां पे जाता था, मैं जाने लगा वहां पर, यार क्या बात है, बहुत अच्छा लगा है। और मेरे अंदर का डर खत्म हो गया, क्या कोविड होता है क्या नहीं होता है दोस्तों, ना जो मैं डरा हुआ इंसान था, मेरे अंदर के डर कभी, मतलब मुझे लगा कि ठीक है यार, इस समय जो भी दिया है ना ये सही चीज दे दिया है, अब कम से कम ना मैं अपने और किसी के लिए बोलते ईमानदार जी, मेरे को अगर मैं अब अगर मेरे साथ जो मैं मरने के लिए सोच रहा था, और अब अगर मेरा जीवन चले भी गया तो कहीं ना कहीं मरते वक्त ना मेरे अंदर एक संतोष रहेगा कि मैं ना अच्छाई के लिए लड़ते हुए मैं अपनी जान गवा रहा हूँ, और ये जो मैं लाचारी शराबी ना उसके लिए नहीं गवाऊंगा, और कम से कम दुनिया को तो नहीं इतने कम चार्ज में पता चल पाएगा, लेकिन मेरी माता, मेरे बीवी, मेरे बच्चों और मेरे जो भाई बहन है, मेरे परिवार जन है, मेरे जो सुख चिंतक दोस्त है ए के बाहर के, उनको पता है कि राकेश ने ना अब नहीं पी रहा है, नहीं नशा कर रहा है, और वो ना एक बोलते ना कि फाइटर की तरह वो गया दुनिया, क्योंकि वो सोच के मैं मीटिंग में जाने लगा एक एक दिन करके, और आप लोगों ने बुलाने लगे, और मुझे हमेशा फोन, मुझे बोलते थे राकेश मुझे फोन करना है, हम लोग 24 घंटे अवेलेबल है, मुझे जो भी कुछ भी लगे, कभी भी लगे ना, 24 घंटे तो कभी फोन कर सकता है, लेकिन इतना ही उन्होंने मुझे विनती की कि तुझे अगर फोन करना है ना तो पीने के पहले करना दोस्त, क्योंकि पीने के बाद में ना हम तो क्या, भगवान तो क्या, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर पी लेगा तू, फिर इसके बाद में जब होश में आएगा तभी करना है, तो इससे अच्छा ऐसा करना तू, अगर तुझे इच्छा करे, क्रेविंग हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो तुझे फोन जरूर कर लेना तू, उसके बाद में तेरी मर्जी हो तो पी लेना तू, वो भी चीज मुझे बोली। तो मेरे साथ में हुआ भी दोस्तों, जैसे बताया ना मुझे भूख नहीं लगती थी, सारी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी चीजें होती थी, तो बोलते हैं कि शुरुआत में जो सबसे बड़ी अड़चन मुझे आई ना कि जो चीज भुलाने के लिए, जो चीज फेस करने के लिए मैं शराब पीता था, नशा करता था, अब सोचो अब वो परिस्थिति तो उधर की उधर ही है, और अब मैं नशा भी नहीं, सहारा भी मेरा छूट, मतलब जो बैसाखी के सहारे में चल रहा था, फेस कर रहा था, वो भी मेरी छूट गई, और मेरे सामने मैं देखता हूँ कि यार जो मैंने जो तबाही मचाई 27 साल में, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड फुल ऑन किया था, वो मेरे पीछे पूरा दिख रहा था, और मैं वो देख पा रहा था अपनी खुली आंखों से। बोलते ना पहले मैं आंख बंद करके मैं देख रहा था पूरी चीजें, अब खुली आंखों से मैं देख रहा था उस चीज को, और मैं देख रहा था, लेकिन उसको जो देखने की ताकत भी थी ना, वो मुझे फिलोसफी में थी,
मुझे नहीं सहा जा रहा था। फिर उसके बाद में मेरे को बोलते ना कि दिमाग मेरा ठिकाने पे नहीं था और मेरे को लगता था मैं पागल हो गया हूँ और बहुत सारी चीजें, बहुत दिक्कतें मेरे को आ रही थी शारीरिक, मतलब थी जो बताया आपको नील, मानसिक भी आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि तुझे साइकेट्रिक थी तो वो भी दिखा, पर उसमें भी दोस्त लोगों ने कहा अभी कुछ मत कर, 90 दिन 90 मीटिंग करना है तुझे, 90 दिन 90 मीटिंग लगातार करना है। और उन्होंने बोला ये कोई कंडीशन नहीं है, पर उसके बाद में फिर तू डिसाइड करना कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तूने इतने साल नशा किया हुआ है ना, इतने साल शराब किया, तो अभी 90 दिन तो दे दे तू, उसके बाद में तू पहले डिसाइड करना कि तू शराबी है कि नहीं और तुझे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में हम लोग तुझे सारा रास्ता बताएंगे। बोले लेकिन तुझे अगर शराब से दूर रहने की तरी खाली यही एक कंडीशन है, ये खाली रखना और उसके अलावा बाकी कुछ ही मत रखना, अगर ये तेरे अंदर इच्छा है तो हम लोग हर तेरी मदद करेंगे। तो दोस्तों बोला नहीं मेरे को और कुछ मदद नहीं चाहिए, बस मुझे किसी तरह से आप लोगों ने नशा मत करने देना, मुझे शराब मत करने देना दोस्तों। तो यार ये फिलोसफी की वजह से दोस्तों ना मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, ना मुझे उनकी कोई ड्रग वाली गोलियां खानी पड़ी। बोलते ना मेरे जैसे शराबी के लिए ना यार वो जो साइकेट्रिक दवाई है ना वो भी बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि यार मैं बोलते ना कि ये मेरे विचारों को लगी हुई बीमारी है, तो मेरे को नशा कोई भी लूंगा ना तो मैं उसको अपने फायदे के लिए यूज कर लूंगा, कहीं ना तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मुझे ना, तो मैं चोरी से भी नशा करने लगूंगा मैं। और वो चीजें है ना, मुझे रिहैब में जाने की जरूरत पड़ी दोस्तों, मेरी बीवी जा सकती थी मेरी वो बीवी नहीं गई, मेरे बच्चे मुझसे हमेशा के लिए दूर हो सकते थे वो नहीं गए आप लोगों की वजह से ना। और अंत में मेरे भाई बहन मेरा समाज भी मुझे ना कोई, मतलब समाज को तो छोड़ दो, मेरे घर परिवार की लाश ना लाचारी में मुझे छोड़ देता है, मैं ही छोड़ देता हूँ। तो यार मैं सलाह जब देखता हूँ किसी को ना तो मैं सोचता हूँ वो राकेश, आज भी सोचता हूँ राकेश ही पढ़ा है, जो दाढ़ी बड़े हुई है और जो पिताब पेंट नहीं कर देना चक्कर में वो लेटा हुआ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें मैं अपने आप को देखता हूँ, उससे भी मेरी बुरी हालत हो सकती थी दोस्तों, पर वो मेरी नहीं हुई। तो ये सब आप ही लोगों की देन है जो शुरुआत में आपने मुझे किया। और यहाँ पे आने के बाद में ना दोस्तों मैं तकरीबन बोला 2 साल तक मैं जॉबलेस था। तो फरवरी में लास्ट मार्च में मैंने ना 19 तारीख तक मैंने जॉब किया था, 21 से लॉकडाउन लगा था और मैं नेक्स्ट करने वाला था लेकिन लॉकडाउन लग गया। करता क्या अभी मैंने मेरी मस्ती की वजह से मेरी छुट्टी थी तो, पर मुझे ना जून या जुलाई के लगभग ना मुझे एक नया जॉब मिला, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी वाला, अलग फील्ड था मिला मुझे। लेकिन फिर 2 महीने के दौरान ना वो भी मेरा जॉब चले गया अलग सेक्टर, जो भी है मेरी कमी में बोलूंगा उसमें, बोलते ना किसी और को नहीं बोलते ना, इस तरह की इच्छा हो गई वो सारी चीजें। पर मुझे एक चीज उन्होंने और मैं सुनता था यहाँ पे किसी भाई की, मैं बता रहा हूँ जो ये फिलोसफिंग में क्या है सबसे बड़ी ताकत मुझे जो एक फिलोसफिंग की लगती ना, ये जो आप लोगों की अनुभव कथन है, आप लोगों की जो अनुभव कथन है और आप लोगों का जो भी अपने एक में आने का जो आप लोगों ने ग्रहण किया है, तो हर इंसान में मानता हूँ यहाँ पे आप में से बैठा हूँ कोई भी इंसान साधारण नहीं, मैं साधारण अपने आप को मानता हूँ लेकिन आप में से कोई साधारण क्यों नहीं है। और बोलेंगे कि यार राकेश बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, तो यार मेरी मैं अगर मेरी जान बची है तो मुझे बोला गया तो मैं तो यही बताऊंगा ना कि मुझे मेरे क्यों नहीं दूर रह पा रहा हूँ और मैं तो रह पा रहा हूँ ना, और ये मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है, मेरे परमेश्वर को पता है ना, मेरे घर वालों को भी नहीं बोल सकता, उनको पूछो, पता है कि मैं नहीं ले रहा हूँ और बोलते मैं दूर रह पा रहा हूँ और कितनी तकलीफ है, और बोलते ना 45 ही मिनट है तो उसमें मैं यही इतना ही बता सकता हूँ। तो यार बताना जरूरी है। तो उन्होंने क्या बोलते थे कि अगर सब कुछ अच्छा रहे राकेश, तेरी नौकरी रहेगी, मस्त पैसा तेरे पास रहेगा और सब कुछ परफेक्ट रहेगा, समाज में इज्जत है, गाड़ी बंगला है, फैमिली है, सब कुछ खुश है ना, तो कोई भी सही नहीं रह सकता है। पर अगर तकलीफ में एक बोलते अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो संस्था है और उसमें 12 कदमों का जो कार्यक्रम है वो अपने पास औजार है ना, वो शक्ति ताकत दिया है ना, ब्रह्मास्त्र है अपने पास ना, कि बोलते ना कि जो तूफान में भी अगर अपनी नौका जाएगी ना तो डूबनी नहीं चाहिए, वो जब समुन्द्र में रहने पे जब जान उसके बाद में भी जो अपनी अपने नाव चला सके या जो उसमें ना तैराकी स्विमिंग कर सके ना, वो असली तैराक होता है, वो असली ताकतवर होता है। बाकी तो यार किसी बाकी तो कोई भी रह लेगा यार शराब और नशे से दूर, तो वो भी ताकत मुझे कहीं ना कहीं कि जो ये जो मुश्किलें जो अड़चने मेरे अंदर आ रही ना, इसके अंदर मुझे बोलते ना इस तूफान में भी, अब मेरे को तो तैरना भी नहीं आता लेकिन इस तूफान में भी मुझे तैरने ही नहीं बताया आप लोगों ने, उसमें ना तैरते रहने और उसमें अपनी जान बचा के ना किनारे पे भी, फिर किनारा कौन सा, जो मैं शराबी था नशे के बोलते ना भव सागर तूफान में मैं पूरा मैं डूब रहा था अपने आप को, दोबारा डूब नहीं रहा था मैं, डुबा रहा था अपने को, आपने मेरी नाव को ना उस तूफान में पार लगाना सिखाया कि सीमित किनारा मतलब मेरे लिए सीमित जीवन का जो सीमित सत्ता का किनारा है ना। और अभी बोला राकेश एक दिन के हिसाब से खाली तुझे रहना है, कभी भी मत सोचना आगे नहीं है, और मुझे जो हाउ पे बोला ईमानदारी
ओपन माइंड से मुझे बोला ना कि दिमाग खुला रखना है, क्योंकि मेरे सबसे पहले तो मैंने अपने दिमाग से ढक्कन ही बंद कर लिए थे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरी पूरी बर्बादी हो चुकी है, मेरे हाथ से बहुत सारी गलतियां हो चुकी है, मेरा उम्र जा चुका है, मेरा इज्जत गंवा चुका हूँ मैंने, मेरा कैरियर खत्म कर चुका हूँ मैंने, अब बच के भी क्या करूंगा। मैंने ढक्कन ही बंद कर लिया था कि मेरा कोई मदद नहीं कर सकता और मुझे मदद मैं चाह के भी अपनी भी मदद नहीं कर सकता, बस मुझे नशा करना है मरना है। तो नहीं बोले ओपन माइंड सबसे पहले तो अपना दिमाग खुला कर, और अगर कहीं से मदद मिल रही है तो उसको ले, उसको सुन ध्यान से, और सिर्फ सुन मत, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर। आप लोगों ने बोला मुझे सिखाया कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ सुन मत रखे, थोड़े दिन बोला सुन खाली, उसके बाद में बोले जब नहीं बोले ना मेरे को पूरा काउंसलिंग किया यार 3 महीने के, जो थोड़ा टाइम उनको लगा कि अभी विड्रॉवल जो फिजिकल और मेंटल विड्रॉवल ऑक्सीजन से बाहर आया, तो बोले अब इसको ना जीवन में उतारने की कोशिश कर। तो उन्होंने बोला राकेश जब तू उठता है, एक भाई ने बोला कि जब उठता है ना तो बिस्तर छोड़ दिया कर, ये मत सोच मत उठा तो बिस्तर छोड़ के ना नहा धो लेने का, फ्रेश होने लेने का, फिर चाहिए तो दोपहर में वापस हो जाए, लेकिन उठा तो बिस्तर छोड़ देने का और नहाने धोने का। और तू काम धंधे पे नहीं कर पा रहा है ना तो तू तेरी कौन कौन है घर में, बोला मम्मी है 70 साल की, और कौन है, बोले बीवी है और 2 बच्चे, वो अलग फ्लैट में रहते हैं और मम्मी अलग। तो बोलते जब मम्मी के पास में है ना तो मम्मी को मदद कर, उनका सर उनका सेवा कर, उनका हाथ पांव दबा, पिताजी तेरे चले गए तकलीफ है ना जो है वो तो कर, उनको झाड़ू में उनको बर्तन में उनको मदद कर। बीवी है ना, बीवी काम कर रही है ना, तू नहीं काम कर पा रहा है ना तो उधर घर में मत, बच्चे को तू देख सामने और उनको मदद कर, उसको उससे बात कर, उसको मोरल सपोर्ट दे, घर में तू बर्तन झाड़ू पोछा ये सब कर, बोला बोला सो गई बिगिन से होम बोलते हैं वो कर। अरे यार मेरे जैसा इंसान, मैं पढ़ा लिखा और मेरा MBA किया हुआ भी मैंने बाद में किया था, बोला मैं किया हुआ ये सब काम मेरा थोड़ी है यार, मैं कमाऊंगा तो नौकर रखूंगा मैं, बीवी को आ रहा। बोलते नहीं नहीं बेटा कमाएगा क्या होगा कल, किसने फिर बोला आज के दिन मतलब सिर्फ शराब के लिए नहीं है, आज आज के दिन मुझे जो 24 घंटे ईश्वर ने प्रदान किए हैं ना तो उसको मुझे जो मैं कर सकता हूँ अपनी बेस्ट एबिलिटी में, तो अगर मैं नौकरी पे नहीं तो मुझे रोना रोना नहीं है भैया, अगर तू नौकरी पे नहीं जा रहा है ना तो चल घर में झाड़ू पोछा मार, बीवी तू मारेगी, बीवी ने कर्जा खाया क्या तेरा, तू बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, जैसे बोलते ना कि बहुत बड़ी मेरी बीवी ने मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत जान दी है, बहुत त्याग किया है, मैंने उनको बहुत परेशान किया है, तो अब तू क्या कर रहा है कमाने है तो उनकी मदद करना, उसको क्यों झाड़ू मारना, वो काम भी करे, तेरे बच्चे को भी संभाले, घर को भी संभाले, EMI भी भरे और तेरे को भी संभाले, तेरे को खाने पीने को भी दे, और घर में भी वो सब काम करे क्यों, और वो नौकर वो घर में बाई नौकर क्यों रखे वो, तू करना नौकरी उधर पैसे जाएंगे तो वो तू बोला ना बाहर नहीं काम कर पा रहा है तो घर में करना, दो पैसे बचेंगे ना और उसको भी लगेगा ना, उसको सपोर्ट होगा। और एक बोला इसमें ना तुझे कहो इसमें तुझे फायदा होगा, जो तू बात करता है ना बड़ी बड़ी कि यार मेरे को तकलीफ है, मैंने एक तकलीफ किया, महान बनना चाहता हूँ, बोला नहीं सही सोगी थी बेगिन से होम घर में कर, और मैंने करना चालू किया तो उसने बहुत मदद की ना, और आज भी और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, इसने मैंने बहुत मदद की, आपने बोला और मैंने उसको करने की कोशिश की, और सब नहीं कर पाया मैं, वो ही नहीं बोलता मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने थोड़ा जो किया ना तो उसमें मुझे बहुत मदद मिली, जो मेरा विचार पर जो विचार मेरे यहाँ वहाँ भागते थे तो मेरे को लगता था काम करना है, फिर वो लगता था बोला वो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या उसने ना क्यों सब क्या है, वो मेरा फर्ज ही मैंने निभाया, लेकिन उसने ना मेरे को विचार को केंद्रित किया, मेरे को थोड़ा बिजी रखा और मेरे अंदर ना ह्यूमिलिटी लाई, मेरे को ना जमीन पे लाया और मेरे को जीने का मकसद दिया उसने, और वो कहीं ना कहीं उनको बदलाव समझ में आ रहा था क्या है संस्था, उनको लगा यार कि कुछ तो भी, उन लोग बोलते हैं आज भी शुरुआत से बोलने लगे कि यार कौन आ जाता है कुछ तो भी बहुत अच्छा, उन लोगों ने कभी भी आज तक रोका नहीं, बोलते तू जिंदगी भर भी नहीं काम करेगा ना कभी चलेगा नहीं संस्था कभी छोड़ना मैं, और मेरी माँ मेरी बीवी बहुत आभारी है, और आज तक उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की कुछ नहीं की, लेकिन बहुत आभारी, मैं अपना पहला जो बैठे टू डे मनाया था ना उसमें मम्मी को लेके गया था टोकन, पत्नी को ना वो बोलते ना जॉब है बच्चे हैं दो छोटे मेरे दूर रहते हैं, तो वहां से नहीं आ पाई वो, मैं उनको भी बोला था लेकिन नहीं, लेकिन मम्मी के हाथ से खाली तभी ना, तो उनको कुछ नहीं पता है संस्था के बारे में, लेकिन बोलते हैं ना कि हम लोग ना ये प्रमोशन इज नॉट अबाउट प्रमोशन इज अट्रैक्शन, जो मेरे मेरे अंदर जो बदलाव देखे ना उन्होंने तो उसके आभारी किया, मेरे जैसा इंसान ये सब जो कर रहा है तो चमत्कार कहीं ना कहीं होते, बहुत आभारी हो मेरी माँ मेरी बीवी ना हमेशा आप लोगों को भिगवा देते हैं, मुझे लगता ना वो जो अपने अंदर ईश्वर का वॉस है ना वो कहीं ना कहीं यही कि मेरे जैसे अनगिनत जो राकेश और उसके परिवार की जो दुआएं लग रही है ना, उनका जो जान बचाया, जो उनका मान सम्मान था, मेरे खानदान का जो कनक मिटाने का काम आप लोगों ने किया है ना, वो दुआ कहीं ना कहीं काम कर दी है, और वही वही ताकत दुआओं की ताकत प्रार्थना की ताकत वो ना काम कर दी है, वहीं से आध्यात्मिक बोलती है यहाँ पे आती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने मुझे काम की, और उसके बाद में मुझे नौकरी नहीं थी तो उसके लिए भी मुझे ना तमाम फोन आए, मैं सही बोलता हूँ मुझे ना नौकरी के लिए भी बहुत मतलब ऑफर आए इसी में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं, क्योंकि बोलते ना यहाँ पे CA डॉक्टर इंजीनियर एक एक
या शेर को सवा शेर है, तभी तो मुझे असंभव होता है ना कि ऐसे ऐसे लोगों को बीमारी हो सकती है, तो मेरे को हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सारे आए, लेकिन ना दोस्तों कहीं ना कहीं वो फिलोसफी में एक भी मुझे अपना, वो बोलते ना कि मैं ज्यादा पढ़ा, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ लेकिन ना मैंने लिटरेचर उससे ज्यादा, मेरे लिटरेचर आप लोगों को ही मैंने शुरुआती माना, मैंने स्पॉन्सर भी बोला तो वो इनिशियल स्पॉन्सर भी आप ही लोगों को माना। तो वो सारी चीजें मैंने ना आप ही लोगों को सामने रखा, तो आप लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि यार कि अगर तू काम धंधा मेन चीज नहीं है, करना जरूरी है तुझे, लेकिन मेन जो चीज है ना वो है आत्मशांति। जो करोड़पति इंसान होगा जो भी होगा ना, उसको भी क्या चाहिए आज की तारीख उसको, सब कुछ होने के बावजूद उसके पास में ना शांति नहीं है। और यार आप लोगों ने मुझे ना अजीब सी शांति अनुभव कराया, जैसे बोला ना जो आपने संयमितता तूफान में बीमारी मुसीबत के आज भी बहुत प्रॉब्लम है ना, 27 साल की प्रॉब्लम तो होंगी, 2 साल की प्रॉब्लम तो बहुत होंगी, लेकिन नशे का ख्याल भी नहीं है तो क्या है। और उसके बाद में अब मुझे ये जो निकोटीन था, मैं बीड़ी सिगरेट पीता था और ये थैनी खाता था, ये तो मुझे छोड़ने के लिए किसी ने नहीं बोला, बहुत सारे आप लोगों ने भी नहीं बोला कि नहीं ठीक है तो नशा ही नहीं है। मुझे तो यहाँ के आके ये बोलना है ना कि मेरा नाम राकेश है और मैं खराब हूँ, रात की दिन शराब नहीं पी, हाँ ईमानदारी से शराब नहीं पी, पर वहां पे भी ईमानदारी मुझे बोला जब अपने आप से रखना है, तो मैंने बोला शराब से नहीं खाली छोड़ना है मुझे ना, और भी नशे से नशा नहीं करना, नशा नशा होता है, तो मुझे वो भी नहीं, तो वो हुआ। उसके बाद में वही भी ईमानदारी कहने का है कि जब मैं बाकी सब नशे हैं तो मैं उस बीड़ी तंबाकू सिगरेट भी क्यों पी गया, तो वो कहीं ना कहीं बोला अपने पर काम करने के लिए मुझे बोलाना, तो वहां पर भी हो गया। तो वो खुला मन में मैंने जैसे सारी चीजें सुनी और अपने जीवन में लाने की कोशिश की, और उन्होंने जब जीवन में लाएगा और सब कुछ अड़चन आएगी तो फोन पर कि यार आपने बोला था मैंने ये करने की कोशिश की, मुझे अड़चन है तो मैं आगे बताऊंगा आगे कैसा करना, पर कोशिश तो करेगा तब ना आगे मालूम पड़ेगा, बिना किए तो नहीं मालूम पड़ेगा ना। तो मैंने किया और उसमें अड़चने में आई। शुरुआत में मुझे बोले कि आप जितने भी मीटिंग्स में आओगे किसी की मुझे शेयरिंग अच्छी लगती है, इंस्पिरेशन होता है तो उसका नंबर ले दो। आज की तारीख में ना मेरे मोबाइल में सिर्फ आज की तारीख में तो छोड़ दो, मैं शुरुआत के 6-3 महीने की बात करूँ ना, उसके बाद 6 महीने जब मैं ऑनलाइन भी मीटिंग किया मैंने, लेकिन फिजिकल मीटिंग करते हुए, तो मेरे पास में तकरीबन 1000 के ऊपर नंबर आ गए, 1000 के ऊपर 200 नंबर आ गए थे। और मैं जिसको भी फोन लगाता था ना वो मेरा फोन उठाते थे, नहीं उठा पाते थे तो कॉल बैक जरूर करते थे। बाद में जब मैंने ऑनलाइन भी चालू किया तो ऑल ओवर इंडिया से करते थे। ये अपनी फिलोसफी की ताकत मुझे मिली, मुझे अपनी बात करता हूँ मैं दोस्तों। और एक ही बात मैं बोलूंगा, बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया को जो झाका आप ना मुझसे बुरा ना कोर। तो जिंदगी भर आके एक ही गलती करता रहा, धूल मेरे चेहरे पे लगी थी और मैं आईना साफ करता रहा दोस्तों, मैं दुनिया में ही गलती निकालता रहा दोस्तों, परिवार में जैसे मैं सब है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था ने और अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप ने ना मुझे बोला राकेश अपने चेहरे पे ध्यान दे, मस्ती किधर लगी है, तू चेहरा साफ कर रहा है, तो कमी अपने अंदर की कमियां को ठीक कर, दुनिया बहुत सुंदर है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, तो अपनी आंख धोले भाई, कीचड़ तेरे आंखों में लगाया है, अगर मोतियाबिंद होगा तो उसका ऑपरेशन करा, धुंधला दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत सुंदर, दुनिया एकदम साफ सुथरी है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा तो वो करा हुआ है। तो मेरे को वो भी आप लोगों ने मुझे सिखाया कि मुझे कैसा रहना है, और पूरा का पूरा जैसे बताया कि ये परिस्थिति बदलने का प्रोग्राम नहीं, पूरा मनस्थिति बदलने का प्रोग्राम है, और उसके लिए टूल्स है मेरे पास में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की फेलोशिप, और जो टूल्स दिए हुए हैं 12 कदम दिए हुए हैं, लिटरेचर है मेरे पास में, स्पॉन्सर मेरे को अवेलेबल है, ये सारी चीजें मेरे पास में है, और मीटिंग्स तो है ही है। तो ये सारी चीजें के थ्रू मुझे जो बोलते ना कि जो ये जो धूल में अपने आप से नहीं साफ कर सकता, और बोलते ना कि वर्क फेथ विदाउट वर्क इज डेड, बोलते ना कि कर्म के बिना विश्वास ना मृत्यु के समान है, तो वो भी आप लोगों ने मुझे बताया कि खाली बड़ी बड़ी बात करने से, सिर्फ मीटिंग करने से ना मैं डायट डंक होती हूँ ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। शुरुआत अच्छे नहीं है ना तो शुरुआत में मेरी बहुत गाली गलौज देने लगा था मैं, जी मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, बहुत गाली गलौज भी करने लगा और सारी चीजें भी करने लगा दोस्तों, पर मैं जाके बता देता था, टीवी भी फोड़ा मैंने अपने शुरुआती मतलब विड्रॉल के टाइम पे, लेकिन फिर मैं तुरंत ही ना वो मुझे ना कहीं ध्यान में बात कर लेता था, मुझे ध्यान में आ जाता था, तुरंत सॉरी भी बोलना सीखा दोस्तों। तो ऐसे अनगिनत बोलते ना कि 23 महीने में ना अनगिनत मेरे पास में ऐसे उदाहरण है, जैसे मैंने बोला ना कि 45 मिनट में मेरी 27 साल का बीमारी और फिर 23 महीने की चीजें, वो बताना पूरा पॉसिबल नहीं है। और सही बोलूं तो मैंने कोई प्रिपेयर भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे कोई स्पीच नहीं देनी है यहाँ पर, स्पीकर बोलेगा तो भले स्पीकर बोला गया है, लेकिन मेरे को जब भी मौका मिलता है ना, भले मैं 5 मिनट के लिए बोलता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ ना कि यार मुझे तैयारी तो तब करते हैं ना कि एग्जाम, और मुझे पास ही होना है वहां पर, और मुझे कुछ इम्प्रेस करना है, ये तो मुझे अपने जीवन के पहलुओं को सामने रखना है आपके सामने सच्चाई से, तो मैं तैयारी क्यों करूँ,
ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ और मैं बोलता जो विषय होता है उसके मैं ईमानदारी रखने की कोशिश करता हूँ, और लास्ट में बोलते हैं ना विलिंगनेस टू एक्ट ऑन माय शॉर्टकमिंग, जो बोलते हैं ना इजम, अल्कोहलिज्म का मतलब मैंने ऐसा रखा कि अल्कोहल जो मैं पीता था, और इजम मतलब अल्कोहल मेरी प्रॉब्लम थी, इन साइड मी देर इज सम प्रॉब्लम, उससे मुझे काम करना है, और उसके काम करने के लिए अल्कोहलिक्स एनिमल्स, अल्कोहलिक्स एनिमल्स फेलोशिप और जो सारे टूल्स मुझे काम में है वो सारे मुझे काम में आएंगे, और एक मैं एक बार का शराबी हमेशा का शराबी हूँ, तो इसमें कोई मुझे पछताने की बात नहीं है, तो मेरे पास सोल्यूशन भी हमेशा है, समस्या है तो समाधान भी है, और वो समाधान अल्कोहलिक्स एनिमल्स और अल्कोहलिक्स एनिमल्स फेलोशिप ही है, और हर मेरी समस्या का समाधान यही है, और मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों ने विश्वास दिलाया अपने अपने जीवन अनुभव से, मैं बोल बचन में आने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने जीवन उदाहरण दिया उसकी वजह से मुझे समझ में आया, और मैं आते रहा और आगे भी आते रहूंगा और अपने अंदर काम करते रहूंगा। और एक लास्ट चीज मुझे जो बताई वो बोल के मैं अपनी सेरिंग को रुकूंगा, मैं कि बोलते कि राकेश यहाँ पे कल उतारी तेरी बाहर रख के आना मीटिंग में, और यहाँ पे ना हमेशा ना विद्यार्थी बन के आना, तो कुछ कुछ लेके जाएगा, तो शिक्षक जिस दिन सोचेगा एक साल दो साल दस साल बीस साल 53 साल वाले भी आते हैं ना, क्यों आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मुझे बताते हैं, प्रेरणा देते हैं, फेलोशिप का ताकत है, 53 ईयर्स वाला क्यों मीटिंग में आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है, उसको जरूरत नहीं है, वो दूर रह सकते हैं, 10-20 साल वाले भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे न्यू कॉमर के लिए आते हैं कि देख मैं आ रहा हूँ, बोलते भी हैं कि यार न्यू कॉमर को ताकत अनुभव शक्ति देंगे क्या है, तो यार मुझे तो सोचना ही नहीं है कि 23 महीने हो रहे कि 23 साल हो कि जब तक जीना है मीटिंग में आना है, लेकिन एक दिन के हिसाब से मुझे जिस तरह से दूर रहना है, अपने आप से ईमानदार रहना है, अपने खुला मन रख के यहाँ पे आना है, और मुझे अपनी समस्याओं पे अपने सही तरीके से काम करने के लिए तैयार रहना है, और मदद ये फिलोसफी का अपार सागर है, सीखने के लिए समुन्दर है, मैं अगर एक लोटा भी ले पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक बार फिर से ईश्वर का आभारी देता हूँ, और रूम नंबर 62 वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग का भी बहुत बहुत आभार देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे जैसे एक शराबी और नशेड़ी इंसान को इस काबिल समझा कि मुझे बुलाया, कि भारत की पहली ऑनलाइन मीटिंग का बोलते ना कि मैं सेवा करने का, मैं खुद नहीं बोलूंगा सेवा करने का मुझे मौका प्रदान किया, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से अब मेरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी के प्रति मैं आभारी हूँ, और मैं आजीवन अपना कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, एक माँ मेरी जिसने पैदा किया और एक माँ मेरी आप लोगों जिन्होंने मेरे को दोबारा जन्म दिया, वो राकेश शराबी को मार के और दूसरे शराबी को नए शराबी को जन्म दिया, वो मुझे आपने पैदा किया, और आपको एक चीज लास्ट बताऊंगा, 2 फरवरी 2021 जो है ना मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मेरा बर्थडे नहीं हो 22 सितंबर है, पर 2 फरवरी 2021 मेरे सर्टिफिकेट ना गलती से उन्होंने घर वाले ने दिया था 6 महीना बढ़ा के स्कूल के लिए, और वही दिन है और वही मेरा यहाँ का सोबेटी डेट भी है, तो वो दोनों चीज आप ही है, तो मैं मेरे परिवार और मेरे बीवी बच्चे सभी की तरफ से आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को मुझसे भी अच्छा सोबेटी और सब कुछ अच्छा हो आपके साथ में, और मुझे आप सब लोगों की बहुत जरूरत है, मुझे आप सब लोगों से बहुत प्यार है, और मैं तो आता रहूंगा, और दौड़ के नहीं आ पाऊंगा तो चल के नहीं आ पाऊंगा तो रेंग के, लेकिन आशा रहूंगा ईश्वर की मर्जी से, मेरे को घमंड नहीं, ईश्वर की मर्जी से, आप सभी भाइयों ने मुझे भाई बहनों ने मुझे शांति से सुना, आप लोगों का आभारी हूँ, और शंकर भाव आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आभारी बहुत बहुत आभारी, थैंक यू सो मच।